उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के थाना अलापुर के ककराला चौकी इंचार्ज ने 2 मई को एक युवक को जबरन गौकसी का आरोप बनाने में बिना किसी जुर्म के उठाया और थर्ड डिग्री की सजा ककराला पुलिस चौकी में दी गई। पुलिस की पिटाई से पीड़ित युवक अपना सुध-बुध खो बैठा है। आज उसके परिजन आईजी रमित शर्मा से मिले और पुलिस की शिकायत करते हुए कहा कि ककराला पुलिस चौकी इंचार्ज ने बिना किसी कारण उसके बेटे रेहान पुत्र यूनुस शाह को उठा लिया और चौकी में करंट लगाकर पीटा गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ती देख पुलिस वाले स्वयं घबरा गए और उन्होंने 100 रुपए देते हुए रेहान को इलाज के लिए भेज दिया। मालूम हो कि सीओ दातागंज को इस प्रकार की जाँच सौंपी गई थी, जिसमें ककराला पुलिस चौकी के सिपाही दोषी पाए गए थे, जिसमें 5 पुलिसकर्मी नामजद थे और 6 अज्ञात थे। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। हमारा लड़का गया 1 तारीख को आया, 2 तारीख को पैसे लेने गया, अलही निगला रोड पर पकड़ लिया। जब पांच पुलिस वालों ने जब हमारे लड़कियों को ले गए, जैसे ये कहा रेहान ने कि क्यों लिए जा रहे हैं, मुझे तो ये कहा कि हम फोटो खींचने लिए जा रहे हैं तुझे। तब जब आ गया और आ गया, हमारा नाती खेलता था, उसने ये कहा दादी देखो गाड़ी पे चाचा लिए जा रहे हैं बैठा के पुलिस वाले पकड़ के। जब हम गए, हमारे लड़के ने कई फोटो यहीं खींच लो रेहान ने, तो ये कहा उनने कि देखो फोटो तेरे नहीं खींचेंगे, चल तुझे चौकी में ले जा रहे हैं। जब हमारे लड़के को चौकी पे ले गए रेहान को, तो रेहान से ये बोले कि तू ये कहा गाय कसी का काम करता हूँ, इसने ये कहा कि मैं नहीं करता हूँ, मैं पुताही का ही काम करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये कि तू ये देखो खान और कबूतर पालता हूँ। उनने सारे मोबाइल में इसकी सब रिकॉर्डिंग ली और जहाँ काम करता उससे भी बात की, तो कई 5,000 रुपये दो जब छोड़ूंगा। हमारे लड़के को बहुत मारा पीटा और बाहर डाल दिया, करंट भी लगाए, डंडा भी करा बैग में, और देखो छोड़ा नहीं। जब 5,000 रुपये ले लिए, जब छोड़ा और बाहर मार के डाल दिया, कतहीं झाग डाल ले करा, तब कहा कि देखो ले तू 100 रुपये ले, इसकी दवा ले आना, और दवा नवाज पड़े के नहीं गया रेहान तो तुझको फिर पकड़े लेंगे, क्या खाता है। तो इसने ये कहा कि खाने वाली चीज़ तो खाते हैं, तो तुझे खिलाऊंगा सुअर का वो, और एक बदतमीजी बोले थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।